दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में फैली बाल विवाह प्रथा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व के 20% बाल विवाह होते हैं और आज भी समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। दोस्तों, यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि भारत जैसी प्राचीन गौरवशाली और सांस्कृतिक देश में आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि इस प्रथा में दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते और बाद में स्थितियाँ बिल्कुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या यह प्रथा भारत में आदिकाल से ही थी या बाद में इसे प्रचलन में लाया गया। दोस्तों, आप यह जान लें कि यह प्रथा हमारी संस्कृति में शुरू से नहीं थी। रामायण काल में भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह बाल्यावस्था में नहीं हुआ था, अपितु युवा अवस्था में संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मिथिलांचल में सम्पन्न हुआ था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और भीष्मक पुत्री देवी रुक्मणी का विवाह भी युवावस्था में ही हुआ। इस दौर में अर्जुन और द्रौपदी तथा सुभद्रा का विवाह भी युवावस्था में ही हुआ था और महाभारत युग में भी बाल विवाह जैसी किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु उस दौरान कन्याओं को स्वयंवर में खुद अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। दोस्तों, अगर हम प्राचीन भारत के ज्ञात इतिहास को खंगालें तो यहाँ भी हमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा का जिक्र नहीं मिलता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम विवाह भी युवावस्था में ही रानी दुर्धरा के साथ हुआ, बाल्यावस्था में नहीं। भारतवर्ष के सर्वकालिक महान सम्राट अशोक का विवाह भी ईस्वी पूर्व 286 में 19 वर्ष की अवस्था में महारानी देवी के साथ हुआ। गुप्त काल के महान शासक समुद्रगुप्त का भी प्रथम विवाह युवावस्था में ही दत्ता देवी के साथ हुआ था। यहाँ तक कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जब संयोगिता के साथ सन 1185 में विवाह किया तो उनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, यानी युवावस्था में ही उनका भी विवाह हुआ था। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी और भारतीय लोगों ने मुगल आक्रांताओं से लड़कियों को बचाने के लिए बाल विवाह को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना आरंभ किया। 12वीं सदी के अंतिम दौर में जब मुगलों और विदेशी शासकों का आक्रमण भारत पर बढ़ने लगा तब अविवाहित युवतियों को बलात्कार एवं अपहरण से बचाने के लिए बड़े बुजुर्गों ने इस कुप्रथा को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और यही वह दौर था जब भारत में तीन कुरीतियां प्रभावी हो गईं। पहला सती प्रथा या जौहर, दूसरा बाल विवाह और तीसरा रात्रि विवाह। और इन सब के प्रभाव से सम्मान की जिंदगी जीने वाली हिंदू स्त्रियों की दुर्गति का दौर प्रारंभ हो गया और 20वीं शताब्दी तक बदस्तूर जारी रहा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत में बाल विवाह को रोकने के कानूनी उपायों के बारे में। सर्वप्रथम 1891 में एक अधिनियम बनाकर लड़कियों के विवाह की आयु की सीमा 13 वर्ष कर दी गई, पर यह प्रभावी न हो सकी। भारत के इतिहास में बाल विवाह और सती प्रथा पर कानून निर्मित करवाने व जागरूकता फैलाने में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा रोकथाम कानून बनाया गया। इसके बाद 1929 में हर विलास सारदा ने एक विधेयक उपस्थित किया जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से स्वीकृत हुआ और इसके अनुसार लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 14 वर्ष निर्धारित की गई। आजादी के बाद बाल विवाह के गति में थोड़ी कमी जरूर आई और 1978 में सारदा एक्ट में संशोधन द्वारा मैरिज की आयु सीमा लड़कों और लड़कियों के लिए क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित की गई। जब इस कानून के बाद भी बाल विवाह प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई तो भारत सरकार ने वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून बनाया जो इस प्रथा को सीमित करने के बजाय इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। और दोस्तों, आप सभी यह जान लें कि वर्तमान समय में लड़के और लड़कियों की विवाह के लिए कानूनी उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस मैटर में कमेंट बॉक्स पर जाकर आप हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।